हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ईद लुक 3 के लिए आ गई हूँ। थर्ड डे ईद लुक के लिए आ रही हूँ। सो सबसे पहले मैं लेंस लगा रही हूँ जो कि गोल्डन कलर के थे, पर मेरी आईज पे लग के ग्रीन हो गए थे। अच्छा, सो मैं ये काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, बट फिर कुछ और वीडियोस थी फिर वो डाल दी, ये थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई, बट या फाइनली आ गई है ईद लुक। ओके, सो यहाँ पे मैंने लेंस लगा लिए थे एंड शुरू शुरू में आप थोड़े से अजीब से ही लगते हो लेंस लगा के। फाउंडेशन भी लगा ली, उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट लगाने की बारी थी तो कॉम्पैक्ट लगा लिया। एंड आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सी वीडियोस बनाई हैं, सो या थक गई हूँ। उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट पिंक कलर जो सा है वो अपनी जो झलक पर लगाया ताकि अच्छे से कलर बन सके। पता नहीं ये अजीब अनलॉजिकल कल बात की है मैंने, बट क्या ठीक है। उसके बाद मैंने लाइटिंग सेट की, थोड़ा सा कैमरा जूम किया और फिर मैं आराम आराम से पिंक कलर को जो सा बिल्ड करती गई। पहले लाइट पिंक, फिर डार्क पिंक, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो डार्क शेड लगा के लगाए थे और फिर मेरी एक काशी की जो पैलेट है, क्या नाम है इसका, रूबी पैलेट, हाँ, तो उसमें भी एक पिंक काइंड ऑफ कलर था जो काफ़ी डार्क पिंक था, तो मैंने उसको भी अपने आईज में लगाया ताकि और डार्क पिंक हो जाए। एंड यहाँ पे मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि, और मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया था बिकॉज जिस हद तक मुझे पिंक चाहिए था वो आ नहीं रहा था और फिर वो एकदम बहुत ज़्यादा पिंक हो गया। बट यार देखिए ऐसा होता रहता है। और यहाँ पर मैं लाइटिंग देख रही थी कि लाइट सही है या नहीं सही, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पिंक हो गया था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे ठीक कर लूँगी, घबराना नहीं है। यहाँ पे भी मैं यही बोल रही हूँ, द ट्रस्ट द प्रोसेस। सो या मैं यहाँ पे भी यही बोल रही हूँ। उसके बाद ने काशी की पैलेट में ये पिंक गोल्ड काइंड ऑफ जिनसे ग्लिटर शेड था, शिमर शेड था, तो ये मैंने अपने इनर कॉर्नर के पार्ट पर लगा लिया, मतलब लिप पर लगा लिया। लगाया उसके बाद लाइनर लगा लिया, उसके बाद आईलैशेस लगा ली एंड यहाँ पे मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, सो उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। अब फेस की मेकअप की बारी थी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो सबसे बड़ी मिसिंग लग रही है वो है आईब्रोस। सो अब मैं आईब्रो बनाने वाली थी एंड आईब्रोज को मैंने फिल किया है ब्राउन कलर से, ज़्यादा बनाई नहीं है, सिर्फ जिस तरह मेरी आईब्रोज थी उसको अच्छे से फिल किया, बिकॉज मैंने बताया कि मेरी आईब्रोज ना बहुत बीच बीच में से गायब भी है, सो यहाँ मुझे अच्छे से फिल करनी पड़ती है। सो मैं इसको फिल किया एंड यहाँ पे मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ। आईब्रो पे कुछ मेरे फेस के पार्ट्स हैं जिन पर बड़े आराम 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 से काम करती हूँ, मेकअप करती हूँ, बिकॉज मज़ा भी आता है। देखिए अगर आपको मेकअप करना पसंद है ना तो फिर आपको हर मेकअप की चीज़ करने में मज़ा आता है। सो मुझे आईब्रो बनाने में, लाइनर लगाने में और भी आगे आएंगी चीज़ें उनमें भी बताऊँगी, तो मुझे मज़ा बड़ा आता है। सो यहाँ पर मैं दूसरी आई के बना रही हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आर्च बनाना पड़ता है बिकॉज मैंने बचपन में कटर से अपनी आईब्रो काट ली थी, तो वहाँ पर अब आर्च थोड़ा सा विजिबल नहीं होता, थोड़ा लाइट है मेरे दूसरी आई प्रोसेस। उसके बाद मैंने आज क्रीम कंट्रोल नहीं की, आज मैंने पाउडर कंट्रोल किया क्योंकि क्रीम कंट्रोल को ब्लेंड करने में टाइम थोड़ा सा लगता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी में पाउडर कंट्रोल कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने पाउडर कंट्रोल की है पहले लाइट ब्राउन से, उसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन ऐड किया था तो वो एकदम से ही इतना ब्राउन हो गया था, फिर है मैंने कॉम्पैक्ट लेकर और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था तो वो ठीक हो गया था। अभी मैं आगे वही करूँगी, ये देखिएगा आप, ये फोरहेड पर मैंने भी थोड़ा सा किया। मैं ज़्यादा अपने फोरहेड पर नहीं लगाती बिकॉज मेरा फोरहेड ठीक है, मुझे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं लगता, मीडियम या सो, मैं इसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, हाँ थोड़ा सा करती हूँ। ये देखें ये इतना ज़्यादा लग गया था, फिर उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट से इसको सही किया एंड इसके बाद किस चीज़ की बारी है भाई, ओह अच्छा सीख गया, हमने उसमें कंट्रोल करने लगे। हाँ तो जैसे मैं बता रही थी कि कुछ पार्ट करने में अच्छा लगता है, उसमें ये एक नोज़ कंट्रोल करने में भी बड़ा मज़ा आता है मुझे। सो अगर आप आईब्रो के जो स्टार्ट है उधर से अगर आप अपनी नोज़ कंट्रोलिंग को स्टार्ट करते हो तो आपका नोज़ जैसा लंबा लगता है, तो मैं हमेशा वहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरा नोज़ लंबा लगे और फिर अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। एंड ये देख रहे हैं आप मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। एक्चुअली ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउनजर लग गया था बिकॉज मेरी जो ब्रश था उसमें भी ब्राउन कलर ऑलरेडी था, तो फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही थी। या सो यहाँ पे मैंने नोज़ कंट्रोल कर ली। अब बारी है किस चीज़ की, इस चीज़ की,
किस चीज़ की बारी है, ओके हाईलाइटर की। यहाँ पे मैं ब्लश लगाना भूल गई थी, मैंने हाईलाइटर लगा लिया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब हाईलाइटर लगा लिया तो लगा लिया है, अब क्या मतलब उतार तो सकते नहीं है, तो मैंने फिर लगाया। और ये हाईलाइटर लगाते हुए मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी मतलब दाएँ शाइन मारती हूँ, इतनी खुश होती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज वो इतनी प्यारी सी शाइन आती है फेस पर जिसको देख के बंदा खुश हो जाता है। एंड ये वाला हाईलाइटर बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा छुनछुन ग्लो देता है, ये रिवाज का है एंड बहुत अच्छा है। मेरा तो ख़त्म होने वाला है, मुझे असल में 2 ही 3 शेड इसमें ज़्यादा मेरे फेस पे सूट करते हैं, तो मैं वही लगाती हूँ और वो बिल्कुल अब ख़त्म होने पे आ गए हैं। उसके बाद मैंने नोज़ की कंट्रोलिंग की, और आप नोज़ पर हाईलाइटर लगाया, आप देखें कि ऐसे जैसे शीशे पे से शाइन आ रही है मेरे नोज़ पे। इतनी बेतुकी बात की है मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपने थोड़े से लिप्स पे लगाया, उससे नहीं ब्रश से नहीं लगा मुझे, तो मैंने फिंगर्स लगा लिया। उसके बाद मुझे मैंने बताया ना ब्लश लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने ब्लश लगा लिया। ये ब्लश बिल्डेबल है, मतलब ये जो लशियस का ब्लश है, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपने फेस के मुताबिक। और इसमें बहुत से शेड्स हैं, मेरे फेस टून पे, मेरे कलर टून पे ये वाला ही कलर अच्छा लगता है, सो मैं वही लगाती हूँ। एंड लिटरली अभी मेकअप किया और अभी वीडियो बैठ के एडिट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने लगानी है अभी की अभी वीडियो, सो या मैं अभी बहुत सख्त थकी हुई हूँ, अभी मेकअप भी उतारना है, चीज़ें भी संभालनी है, और एक और वीडियो भी बनानी है, सो या एंड अच्छा, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा मैंने अपनी चिन पे भी थोड़ा सा ब्लश लगाया है, और इसके बाद अच्छा मैंने लिप पेंसिल से अपने लिप्स को आउटलाइन किया। बट तो ये लिप लाइनर का मैं बाद में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि ये कौन सी ब्रांड का है और कौन सा है और मैंने कहाँ से लिया, सो या इसके लिए आप रहे हैं। बट ये इतना अच्छा था, इतना स्मूथ था, इतना स्मूथ था, लाइक मैं इतनी मज़ा आ रहा था इससे लिप लाइनिंग करने में, सो या मैं एक और भी यूज़ कर चुकी हूँ, बट वो इतनी भी स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ता है, ये तो ऐसे बटर की तरह हाँ जिनसे ना लिप्स पे चल रही थी। थोड़ा सा मैंने अपने जो कॉर्नर्स थे लिप्स के, उसको भी ब्राउन के जैसे किया था, ताकि थोड़ा सा लिप्स में थोड़ी सी पाउचीनेस आ जाए, सो पता नहीं ये इसमें लॉजिक क्या है, तो या मैंने बस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक न्यूड लिपस्टिक थी, जो कि है टोनी एंड टीना की, एंड ये बड़ा प्यारा न्यूड कलर है, इसको मैंने अपने लिप्स के बीच में लगाया, और टेंटा न्यूड कलर, इट्स परफेक्ट न्यूड कलर फॉर माय स्किन टोन, सो मुझे अपना न्यूड कलर बनाना खुद आ गया है, अगर मैं अकेले लगाऊँ तो इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं पहले नीचे से अच्छी सी आउटलाइन करके उसके बाद ही बनाती हूँ। इसके बाद मैं अपने बालों को शदीद खोलने की कोशिश कर रही हूँ, एंड यहाँ पे बस मैं बालों को, मेरे बाल देखे लंबे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है खोलने में, सो यहाँ पे मैं गाना गा रही थी सो इसलिए मेरे अजीब अजीब से मुंह भी बन रहे हैं, बट या यहाँ पे आराम आराम से बालों को खोला जा रहा है, फिर थोड़ी सी ज़बरदस्ती की जा रही है बालों के साथ के खुल जाओ, और यहाँ पे मैं अजीब सी लग रही हूँ एकदम से। सो यार That's my final look. If you like it, so please maybe give a like. Shuru kariyega. Hello. Wait. We don't have to start the day yet. I just wanna stay. Even if we run.